लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप से डायरेक्ट गुफ्तगु करने की इजाजत नहीं, बल्कि माँ बाप के से गुफ्तगु के आदाब ये हैं, इस्लामी आदाब ये हैं कि जब माँ बाप से गुफ्तगु करना हो तो पहले उनसे इजाजत तलब करो। अगर वो इजाजत दें तो उनसे इस तरह गुफ्तगु करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगु करता है। आप अंदाजा करें, क्या अपना अंदाज भी ये है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी माजरत के साथ, हम अपने पैसे कहां कहां खर्च करते हैं, मगर याद रखें माँ बाप पे खर्च करने पर अल्लाह जो सवाब अता फरमाता है, ना वो मस्जिद के बनाने पर अता करता है, ना मदरसे पे चंदा देने पे वो सवाब मिलता है, ना अल्लाह अकबर किसी जगह और नेक कामों में आप कहीं खर्च करें, माँ बाप पे खर्च करने पर जो सवाब मिलता है वो सवाब कहीं नहीं मिलता। बड़ी माजरत के साथ हम माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते। लोग मजमे के अंदर अगर मस्जिद और मदरसे का चंदा हो रहा हो और वहां पर 5,000 10,000 1,00,000 लिखा देते हैं, हालांकि वो घर से इस हालत में आते हैं कि माँ ने कहा कि बेटा मुझे दवा खाना जाना है, कुछ रुपये दे दो ताकि डॉक्टर की फीस अदा कर दूं, तो वो माँ को ये कह के आता है बुढ़ापे में तुम्हें कितने पैसे लगते हैं, क्या मैं सब तुम्हीं पे खर्च कर दूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बताऊं कौन इस वक्त खुश नहीं रहना चाहता? खुश रहने के लिए आज लोग नाविले पढ़ रहे हैं, खुश रहने के लिए लोग अलग अलग अंदाज से टिप्स देखते हैं कि कौन सा तरीका खुश रहने का है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो और लंबी उम्र चाहते हो, अगर ये दो चीजें नेमत पाना चाहते हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबी करे और तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुश रखे, तो तुम अपने माँ बाप पे खर्च किया करो। जो माँ बाप पे खर्च करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत के गमों से निजात अता करता है और उसकी उम्र को अल्लाह तवील फरमा देता है। माँ बाप पे खर्च करने के हवाले से बड़ी माजरत के साथ, मोबाइल के रिचार्ज पर हम जितना खर्च करते हैं महीने में, उतना भी अपने माँ बाप पे खर्च नहीं करते। दोस्तों पर जितना खर्च करते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इंसान अपने माँ बाप पे खर्च करने में बार महसूस करेगा और दोस्तों पे खर्च करने में कुशादगी महसूस करेगा। दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया, हजारों रुपए खर्च कर दिया और माँ बाप को सैकड़ों देने के लिए उसकी तबीयत पर एक बोझ सा महसूस होता है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत सारे अकवाल हैं, लेकिन बहुत गुफ्तगु को तवील करने की बजाय बस दो बातें करके अपनी गुफ्तगु को समेटना चाहता हूं। जिंदगी में कभी अपने वालिदैन की बद्दुआ नहीं लेना, दुआ लेना, उन्हें कभी नहीं रुलाना, क्योंकि रुलाने वाला जिसने माँ बाप को रुलाया, दुखी किया, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाए। कमेंट शेयर जरूर करिए।